आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें हम देख रहे थे कि थ्योरी के बारे में हमने पढ़ने हैं। आज एक थ्योरी हमारे पास है, वर्नर थ्योरी। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1893 में वर्नर ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी जिससे कॉम्प्लेक्सेस के जो स्ट्रक्चर थे उनके डिटरमाइन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि उनके स्ट्रक्चर्स जो थे उनके फार्मूला के साथ मैच नहीं करते थे। तो इसका एक यहाँ पे हमने डाटा यहाँ लिखा है, उस डाटा को पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कोबाल्ट माइन बहुत मशहूर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये हमारे पास चार कॉम्प्लेक्स होते हैं कोबाल्ट माइन। इसमें COCl3 तीनों में देखें फॉर्मूले के हिसाब से सेम है, कि जब हम फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं ना उसमें हमें पता चलता है कि इसमें COCl3 है बड़े, और बीच में क्या है बड़े सिक्स, यहाँ पे 6 NH3 थे, इसमें 5 NH3 थे, इसमें 4 NH3 और इसमें 3 NH3 थे। तो वो जो पुराना तरीका था स्ट्रक्चर लिखने का उसके तरीके के मुताबिक यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें 6 अमोनिया, 5, 4 और 3 अमोनिया का फर्क है, बाकी COCl3 सेम है। कंफर्म करने के लिए इसी फॉर्मूला को हमने टेस्ट किया यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये रिएजेंट हम यूज करते होते हैं क्लोराइड को चेक करने के लिए कि ये इसके साथ प्रेसिपिटेट बना देगा सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट पिपेट होंगे। तो टाइट्रेशन की मदद से ना हमें पता चल जाता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने क्लोरीन या क्लोराइड आयन मौजूद हैं। अब यहाँ पे जब हमने इस कंपाउंड का एनालिसिस किया तो पता चला इसमें 3 क्लोराइड हैं जो कि पानी में डिजोल्व फॉर्म में आयोनाइज्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। जब इसमें इसी कंपाउंड का एनालिसिस किया गया सेकेंड कंपाउंड का, तो यहाँ पे फार्मूला के अंदर 3 क्लोराइड है लेकिन उनमें से 2 क्लोराइड जो थे वो आयोनाइज हो रहे थे सिर्फ, और 1 क्लोराइड जो था वो आयोनाइज नहीं हो रहा था। फिर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखें 1 क्लोराइड जो था वो आयोनाइज हो रहा था जिसकी वजह से सोल्यूशन में 1 क्लोराइड नजर आ रहा था सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और बाकी 2 क्लोराइड जो थे वो डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई क्लोराइड प्रेजेंस नहीं थी। दूसरा टेस्ट इसके ऊपर किया गया मोलर कंडक्टिविटी के, कि भाई आयंस कितने हैं यहाँ पे, टोटल आयंस के ऊपर चार्ज किस तरह के हैं वो चेक करने के लिए। जब ये टेस्ट किया गया तो पता चला मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारे पास ये जो COCl3 और 6 अमोनिया वाला, इसकी कितनी आ रही है, 430 आ रही है। ठीक है, ये पार ओ हमें फाइंड करते होते हैं हम इसको, और यहाँ पे देखें तो ये कितनी आती है, 230 हो गई है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज का मतलब आइंस कम हो गए हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी पे जो है वो डिपेंड करती है आइंस के ऊपर। कंडक्टिविटी कैसे आयन पे डिपेंड करती है, कि जब ज्यादा आयन होंगे तो करंट भी ज्यादा गुजर सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में आइंस करंट को लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसकी कंडक्टिविटी 430 है, इसकी कंडक्टिविटी 230 है, इसका मतलब आइंस कम हो गए हैं। ऊपर भी डाटा में नजर आ रहा है कि 3 आयंस थे, यहाँ पे 2 आयंस थे। इधर देखते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, कितनी, 100, तो यहाँ पे इसका मतलब आयंस और डिक्रीज हो गए हैं। इधर देखें तो आयंस और भी ज्यादा डिक्रीज हो गए, लेकिन फार्मूला के अंदर COCl3 वैसे का वैसे है, अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये आपने जहन में रखना है कि अगर आप किसी स्टूडेंट के जहन में ये आ रहा हो कि ये 6 अमोनिया जो थे ये आयंस हैं बड़े, अमोनिया आयंस नहीं होता। ठीक है, ये क्या होगा, ये तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आयंस हो सकते हैं या तो CO हो सकता है या Cl3 वाला हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसी के ऊपर हमने वैल्यू को फार्मूले में ऐड किया, और उसके बाद हमारे पास ना टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाते होते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट हुए थे ना ये कंडक्टिविटी की बेस पे, वो 4 हुए थे, कि इसमें टोटल 4 आयंस हैं। इसमें 3 आयंस डिटेक्शन शो हो रही थी, इसमें 2 आयन की और इसमें 1 आयन की। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है टोटल डाटा, इसके बेस के ऊपर वर्नर ने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया कि
कि वैलेंसीज की ना दो टाइप होती हैं। तो ये उसने आगे वर्नर ने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि हर जो मेटल है उसकी दो तरह की वैलेंसी होती है। एक उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्योंकि हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना इनऑर्गेनिक में, इसमें मेटल्स होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो उन्होंने कहा मेटल की ना दो वैलेंसी हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को जस्टिफाई किया गया कि ये आयोनाइजेबल होती है, कि अगर पानी में हल करते हैं तो ये फौरन आयंस की शक्ल में टूट जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो थी उन्होंने कहा ये आयोनाइज नहीं हो सकती, इसमें आयोनाइज होने की एबिलिटी नहीं होती। वो जैसे सीएल आयोनाइज नहीं हो रहे थे, अभी हमने पीछे देखा डाटा। फिर एक और आइडिया मिला यहाँ पे कि इसने कहा कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि ये आयनिक बॉन्ड की तरह की होती है। ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड। और सेकंड ये क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह होती है एंड हैव अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्पेस। इसको इंडिकेट करते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि आयनिक बॉन्ड असल रियल बॉन्ड तो नहीं होता, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है इसीलिए इसको हार्ड लाइन से शो किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो इसको काउंट करना हो तो कैसे पता चलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, या फिर मेटल एटम जो होता है सेंट्रल मेटल एटम उसके चार्ज से भी पता चल जाती है। और इसकी अगर बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, कि उसको कितने जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स है उन्होंने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत मशहूर क्वेश्चंस बनते होते हैं, और क्वेश्चन ये होता है कि वर्नर ने कैसे डिफाइन किया सेकेंडरी वैलेंसी को। अगर सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करना हो तो आपकी चार पॉइंट्स उसमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि वर्नर ने सबसे पहली बात कही थी कि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है ऐसी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल हो, आयोनाइज ना हो सकती हो, क्योंकि करंट में प्रॉब्लम आ रही थी ना, आयंस में प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे। फिर बाकी ये पॉइंट्स जो थे उसको फर्दर एलेबोरेट किए थे कि ये प्रॉब्लम्स इसके साथ और भी होते हैं, लेकिन मेन इसकी जो डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या होती है, इट इज ए नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। और अगर डिफरेंस दोनों में आपने लिखना है तो आप तब यूं लिख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स मैंने साइड बाय साइड इधर मेंशन कर दिए हैं। आगे हम इनका स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, वहां पे क्वेश्चंस बनते होते हैं कि वर्नर थ्योरी जो है उसकी बेस के ऊपर कोबाल्ट अमाइन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं हमने। तो ये पहले वाला कोबाल्ट अमाइन है जिसमें 6 अमोनिया है, ये उसको लिखने का पुराना तरीका है, और ये उसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला मेथड है वो लिखा हुआ नीचे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले मेथड में क्या है कि यहाँ पे हम जस्टिफाई करें कि ये कोऑर्डिनेशन के अंदर है इसीलिए, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है तो ये अंदर लिखे जाएंगे, और ये प्राइमरी है तो इसको बाहर लिखा जा रहा है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि ये 6 अगर कोई चीजें अटैच करें ना हम सेंटर के साथ, तो उसकी जो ज्योमेट्री निकलती है वो आती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, इस तरह की ज्योमेट्री को बोलते हैं कि ये जो चार पॉइंट्स है ना जो क्रॉस लगा हुआ है ये हमारे पास क्या है, सेम प्लेन में है। ठीक है, ये चारों क्या है, बड़े सेम प्लेन में है, और ये जो लाइन है ना दो जो ऊपर और नीचे वाली हैं ये ऐसे हैं बड़ी, मिसाल के तौर पे कि ये जो आपकी स्क्रीन है इससे ये इनसाइड जा रही है स्क्रीन के पीछे वाली साइड पे, और ये स्क्रीन के बाहर आ रही है। ठीक है, स्क्रीन के यहां से ना इस पॉइंट से ना स्क्रीन के बाहर निकल रही है ये। तो ये 6 डायरेक्शंस होती हैं ऑक्टाहेड्रन की। तो इसके कॉर्नर्स के ऊपर अमोनिया अरेंज हो गए, ये जो 6 अमोनिया है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, इसकी ये क्या हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, कि हमने कहा था हर कंपाउंड, उसने एक पोस्टुलेट दिया था हर मेटल क्या करती है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा किया, ये देखिए हमने हार्ड लाइन ड्रॉ की है इन 6 के दरमियान में, और ये इसकी क्या हो गई है सेकेंडरी वैलेंसी पूरी हो गई है। सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करने के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी समझाई है ना, ये सारे क्या हैं बड़े, जैसे लैपटॉप आपकी स्क्रीन है बड़ी, ये इस स्क्रीन के ऊपर ही ड्रॉ है बड़े, ये जो 4 हैं बड़े, और ये जो 2 हैं इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, एक स्क्रीन के आउटसाइड और एक स्क्रीन के इनसाइड की तरफ।
इनकी क्या है स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। अब हम करते हैं बात किसकी, प्राइमरी वैलेंसी की। तो ये प्राइमरी वैलेंसी के लिए यहाँ पे किसी भी साइड से पास, ये नहीं है कि सिर्फ इधर से ही आ सकता है, किसी भी साइड से डॉटेड लाइन के साथ इसके साथ कनेक्ट करवा देंगे एक हम क्लोराइड, वो इस चार्ज को काउंटर करेगा। ठीक है, ये चार्ज कितना है 3, तो ये कितना आ गया, एक चार्ज कैंसिल हो गया, फिर बैलेंस करने के लिए एक और चार्ज आ गया सी एल नेगेटिव और एक और यहाँ पे आ गया। इनकी डायरेक्शन ये जो तीन मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है प्राइमरी वैलेंसीज, इनको हम किसी भी डायरेक्शन पे बना सकते हैं। चाहे आप ये वाला सी एल इस साइड से निकाल दें, ये वाला सी एल आप इस साइड से निकाल लें, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है COCl3.5NH3, अब इसको लिखने का तरीका क्या था, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये उसका पुराना मेथड था, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ पे देखिए CONH3 5, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, जो बड़ी ब्रैकेट ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक Cl जो है ये इन तीन Cl में से एक Cl कोऑर्डिनेटेड हो गया और दो Cl उसके बाहर हैं। इसका वर्नर स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, पहले हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी ड्रॉ कर ली। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी पे ये जो अंदर वाली चीजें हैं, जो लिगेंड्स हैं अपने, उनको लगाना है। तो ये कितने अपने 5, ये 5 लिगेंड हमने यहाँ पे अटैच करवा दिए। 5 लिगेंड स्पेसिफिक ऑक्टाहेड्रन के ऊपर लगा के, ये जो ऑक्टाहेड्रन शेप है, अब एक पॉइंट बच गया यहाँ पे, ये वाला जो सीएल है ये सीएल आएगा, ये सीएल यहाँ पे लगा देंगे, ये सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब रह गई प्राइमरी वैलेंसी, ये जो +3 चार्ज है इसको खत्म करना है। तो दो सीएल वो जो बाहर वाले हैं ये यहाँ पे आ गए, ये एक सीएल आ गया और ये दूसरा सीएल डॉटेड वैलेंसी, यानी के जो प्राइमरी वैलेंसी थी। एक प्राइमरी वैलेंसी रहती है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, वो इस सीएल के साथ। अब इस पे इस बात को जरा आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे और भी चीजें मौजूद हैं, अमोनिया वाले लिगेंड्स भी हैं, लेकिन हम इसमें से प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई करेंगे वो सीएल नेगेटिव से करेंगे। उसका रीजन ये है कि ये पॉजिटिव है ना, तो इस पॉजिटिव के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो रही होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी। न्यूट्रल चीजों सेटिस्फाई नहीं कर सकती इसको, तो इसलिए ये जो यहाँ से वैलेंसी जो होगी ना CO+3 की, वो क्लोराइड के साथ सेटिस्फाई होगी ये वाली। तो यहाँ पे ना ये क्लोराइड दोनों तरह से है, ये सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये जो दो सीएल जो बाहर प्राइमरी के साथ थे और आयोनाइजेबल के साथ है, यही वजह है कि ये क्या होते हैं, दोनों सीएल सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिटेक्ट होते हैं, और ये वाला सीएल जो कि सेकेंडरी के साथ अटैच है यानी कि नॉन आयोनाइजेबल, तो ये फिर डिटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर आयंस की बात करें तो आयंस कैसे पता चल रहे थे, ये देखें, दो आयंस यहां से बनेंगे, दो क्लोराइड, और एक ये बनेगा +2 चार्ज के साथ, ये जो पूरी ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टोटल कितने आयंस नजर आएंगे, 3 आयंस का करंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा COCl3.4NH3। अब यहाँ पे क्या होंगे, ये 4 अमोनिया कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था इसका, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 सीएल अंदर कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे और एक जो है सीएल बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, पहले हम इसके क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी की डायरेक्शंस बनाएंगे जो ऑक्टाहेड्रॉन है। इस ऑक्टाहेड्रॉन में 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 अमोनिया लगा दिए, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं हम। 2 पॉइंट खाली है तो उसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड वाला सीएल आ जाएगा, यहाँ भी सीएल आ जाएगा और यहाँ भी सीएल आ जाएगा, ये दोनों सीएल आ गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, एक सीएल यहाँ पे बाहर है, पर हम ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर देंगे। ठीक है, अभी 2 वैलेंसीज पूरी करनी रहती हैं, तो वो किन से होंगी, इन 2 क्लोराइड से होंगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो ये 2 वैलेंसीज पूरी कर दी। इस तरह इसकी प्राइमरी भी पूरी हो रही है जो 3 वैलेंसी है, और सेकेंडरी भी पूरी हो रही है।
और आइंस जो यहाँ पे थे वो सिर्फ एक क्लोराइड डिटेक्ट हुआ था कि जो कि आयोनाइजेबल था, बाकी ये दो क्लोराइड क्या बन गए हैं, नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये अब ये कौन सी जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके साथ अटैच हैं। ठीक है, टोटल आइंस कैसे मिले थे हमें दो, एक क्लोराइड आइन मिलेगा ये वाला, ठीक है, और बाकी जो है ये पूरा हिस्सा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एक आयन होगा। ठीक है, तो दो आयन्स टोटल हमें यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास COCl3.NH3, कितने एम्पड़े हमारे पास, 3 एम्पड़े। अब यहाँ पे तीन अमोनिया कोऑर्डिनेटेड है और जो तीन Cl हैं वो तीनों की तीनों यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है हमने। ठीक है, बाहर कोई चीज नहीं है, दोबारा वही चीज कि हम इसकी क्या पहले ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की डायरेक्शंस, उस पे तीनों अमोनिया लगा दिए, ये जो तीन पॉइंट बच गए हैं इन तीन पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन यानी कि क्लोराइड, ये तीन क्लोराइड्स आ गए। अब कौन सी पूरी करनी है हमने, ये यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करती है इसकी, तो अब क्या करेंगे हम प्राइमरी को पूरा करेंगे और वो कैसे करेंगे, यहां से तीनों के साथ वो डॉटेड लाइन लगा देंगे और ये हमारे पास तीन प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब अगर इसके आयंस की बात करें, वो जो सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट था, तीनों क्लोराइड जो हैं वो नॉन आयोनाइजेबल हैं, तो फिर किसी को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता सिल्वर नाइट्रेट के साथ। दूसरी चीज कि यहाँ पे आयंस भी जीरो हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पड़ा और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आयन नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं होगा तो फिर इसमें से करंट पास नहीं होगा क्योंकि कंडक्टिविटी तो चार्ज की वजह से हो रही थी ना, तो यहाँ पे कोई आयन भी नहीं होगा और कंडक्टिविटी भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक ये वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में टॉपिक के। इसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसके ऊपर हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लगा के उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेजेंड कॉलेज के पेज को भी सब्सक्राइब करना है। लेजेंड कॉलेज के पेज पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे।